नमस्कार, हिंदी साहित्य वार्ता में आप हैं इस वक्त सुभाष ठाकुर के साथ। दोस्तों, जीआरएफ हिंदी की तैयारियों के अंतर्गत हम इकाई 5 अपना हिंदी कविता पढ़ रहे हैं, और इससे पहले हमने नागार्जुन और अज्ञेय की कुछ एक कविताओं की व्याख्या कर ली है। तो अगर आपने अभी तक वो वाली वीडियोस नहीं देखी हैं तो आप उन लेक्चर्स को भी एक बार ज़रूर देखें। आज हमने इसमें अज्ञेय की जो प्रसिद्ध कविता हरी घास पर क्षण भर, ये रखी है, और इसमें इन्होंने जीवन के प्रति क्षण जीने का जो संदेश दिया है, साथ ही साथ नगरीय जीवन की यांत्रिकता का चित्रण करने वाली ये उनकी प्रमुख कविताओं में से एक कविता मानी जाती है, जिसमें उन्होंने प्रकृति के खुलेपन का चित्रण किया हुआ है और साथ ही साथ जीवन की सुंदरता का चित्रण भी ये यहाँ पर करते नजर आते हैं। नगरीय जीवन की यांत्रिकता का चित्रण इस कविता में बहुत ही बारीकी से इन्होंने किया है। हमारे समाज में, हमारे आधुनिक समाज में हम देखते हैं कि आज अपने अपने कामों में सब लोग व्यस्त हैं, कुंठा का शिकार हैं, काम का शिकार हैं, ये जो सारी वर्जनाएं हैं, सामाजिक विकृतियां हैं, इन सब को इन्होंने चित्रित करने की कोशिश की है और ये संदेश देने की कोशिश की है कि कुछ क्षण के लिए आप इन सब चीज़ों से हटकर प्रकृति की गोद में चले जाइए, क्योंकि जो प्रकृति है वो सब दुख सुख को अपने में समाहित करती है, वो कभी भी किसी भी तरह की शिकायत नहीं करती जैसी शिकायत इंसान करता है। तो चलिए इस प्रसिद्ध कविता की व्याख्या करने की कोशिश करते हैं। थोड़ी सी लंबी हो सकती है ये कविता, लेकिन इसको व्याख्यायित करते हुए हमें आनंद की अनुभूति भी अवश्य होगी। तो चलिए शुरुआत करते हैं। आओ बैठें इसी ढाल की हरी घास पर, माली चौकीदारों का यह समय नहीं है, और घास तो अधुनातन मानव मन की भावना की तरह सदा बिछी है हरी न्योती, कोई आकर रौंदे, आओ बैठो तनिक और सटकर, कि हमारे बीच स्नेह भर का व्यवधान रहे, बस नहीं दरारें सभ्य शिष्ट जीवन की। देखिए, यहाँ पर जो अज्ञेय हैं वो क्या कहना चाहते हैं, वो ये कहना चाह रहे हैं कि जो नगरीय जीवन है, जो शहरी जीवन है, जो आधुनिकता का दौर है, वहाँ पर जो आज एक भीड़ भाड़ है, जो वहाँ की अलग चीज़ें हैं, है ना, जिनसे इंसान ऊब गया है, उन सब चीज़ों से ऊपर उठकर वो कह रहा है कि अपने लिए थोड़ा सा समय निकालिए और प्रकृति की गोद में आ जाइए, आओ बैठें इसी ढाल की हरी घास पर, कि एक ऐसी जगह पर आ जाएं जहां पर ये आधुनिकता की भीड़ भाड़, ये मशीनीकरण का युग से दूर हम कहीं सुकून भरी ज़िंदगी जीने जाते हैं और हरी घास के ऊपर बैठ जाएं, ऐसी हरी घास जिसको देखकर ही हमारा मन प्रफुल्लित हो उठता है, जिसको देखकर हम अपने सारे दुख भूल जाते हैं, ऐसी जगह आप आ जाइए। माली चौकीदारों का यह समय नहीं है, कि जो शहर में हम देखते हैं कि वहाँ पर निरंतर आपको कहीं पर लिखा होगा कि यहाँ पर आना मना है, यहाँ पर चलना मना है, ऐसी वो कहते हैं कि ऐसी कोई रिस्ट्रिक्शंस हमें प्रकृति की गोद में देखने को नहीं मिलती है, कोई माली चौकीदार वहाँ पर नहीं है। तो इसलिए वो कह रहे हैं कि आओ बैठो इसी ढाल की हरी घास पर, माली चौकीदारों का समय नहीं, आओ, और घास तो अधुनातन मानव मन की भावना की तरह सदा बिछी है न्योती, आकर कोई रौंदे। तो ये कह रहे हैं कि जो आपका ये घास है, देखिए, या जो प्रकृति है, घास से आप सिंपल साइज का विस्तृत रूप देखेंगे आप, तो यहाँ पर जो प्रकृति की बात कर रहा है कि वो तो अधुनातन, अधुनातन मतलब आपका जो है अब तक जो कि नया है, ठीक है, ये सब चीज़ें क्या है, जो मानव मन की तरह सदा बिछी है हरी न्योती की, कोई आकर उसको रौंदे। प्रकृति निरंतर क्या करती है, ये कहती है कि आप चाहे उसको रौंदो, आप चाहे उसको कुछ भी करो, प्रकृति कभी भी कोई भी चीज़ शिकायत आपसे नहीं करती है मानव की तरह, ठीक है, वो सदा ही हरी रहती है, बिछली रहती है, और अपना जो उसका स्नेह है, अपना जो प्रेम है, वो सबको बांटती रहती है। आओ बैठो तनिक और सटकर, कि हमारे बीच स्नेह भर का व्यवधान रहे। वो कहते हैं कि आओ हमारे पास आकर बैठो और सटकर बैठो, वहाँ पर किसी तरीके के बंधन आप में नहीं होने चाहिए, प्रकृति ऐसी है कि जहाँ पर आप खुल के अपनी ज़िंदगी को जीते हैं, आप जब प्रकृति की गोद में होते हैं, कि हमारे बीच स्नेह भर का व्यवधान रहे। तो वो कह रहे हैं कि व्यवधान तो हमारे बीच में रहे, लेकिन वो स्नेह भर का रहे, तो यहाँ पर थोड़ा सा विरोधाभास अलंकार इन्होंने रखा हुआ है कि हमारे बीच क्या है, सिर्फ स्नेह भर का व्यवधान रहे, बाकी हम एक दूसरे के इतने करीब आ जाएं प्रकृति की गोद में, नहीं दरारें सभ्य शिष्ट जीवन की, कि यहाँ पर हमारे पास जो सभ्य समाज की जो नियम हैं, वो कायदे कानून हैं, जो सिर्फ खोखले हैं, आडंबर हैं, वो यहाँ पर नहीं होने चाहिए, नहीं दरारें सभ्य शिष्ट जीवन की, ऐसी यहाँ पर हमारे ऊपर कोई भी रिस्ट्रिक्शन आप देखते हैं प्रकृति की गोद में नहीं रहती है। चाहे बोलो चाहे धीरे बोलो, स्वागत गुनगुनाओ चाहे चुप रह जाओ,
आगे कहते हैं कि चाहे आप धीरे बोलो, ऊंचे बोलो, चाहे किसी तरीके से भी आप बोलो प्रकृति में, तो वहाँ पर आप स्वतंत्र हैं। लेकिन शहरों में, लेकिन आज की आधुनिकता में हम देखेंगे, अगर आप अपने रूम में भी ज़ोर से बोलने की कोशिश करेंगे तो दूसरे आपको हैं कुछ ना कुछ आपको रिस्ट्रिक्शन ज़रूर लगाई जाती है। तो ये चीज़ है कि प्रकृति की गोद में आपको किसी तरीके की ऐसा कोई बंधन हमें देखने को नहीं मिलता है। तो ऐसे आप स्वतंत्र रूप से क्या कीजिए, आप प्रकृति की गोद में बैठिए। लेकिन आप दूसरा आगे देखते हैं कि आप चाहे बोलो धीरे, चाहे बोलो स्वागत गुनगुनाओ, चाहे चुप रह जाओ, कि आप प्रकृति की गोद में आकर बिल्कुल शांत रहिए, कुछ भी ना कहिए, तब भी आपको क्या होगा, वहाँ पर सुकून मिलेगा। लेकिन शहरी जीवन में ऐसा हमें देखने को नहीं मिलता है। इसीलिए जो अज्ञेय जी कहते हैं कि क्षण भर के लिए आप उस शहरी जो भीड़ भाड़ है उससे दूर हटके प्रकृति की गोद में आ जाइए, जहाँ पर आपको सुकून भरी जिंदगी मिलेगी। हो प्रकृस्थ तनो मत कटी छटी उस बाढ़ सरी की, नमो खुलो खिलो सहज मिलो अंतःस्मित अंतःसंयत हरी घाससी। तो देखिए अंतःस्मित का मतलब है, अंतःस्मित का मतलब है आपका आंतरिक खुशी, मतलब अंदर से आपके मुस्कान आनी चाहिए। अंतःसंयत मतलब अंदर से ही वो संयत आप होने चाहिए, हरी घास की ही तरह। देखिए हो प्रकृतस्थ, प्रकृतस्थ से मतलब है कि आपको नेचुरल होना है, जो आप वास्तव में हैं वो चीज़ है। तनो मत कटी छटी उस बाढ़ सरी की, उस बाढ़ की तरह मत रहिए, बंधन में बंधे मत रहिए। आप जो है अपनी जिंदगी को एक पल के लिए इस हरी घास के ऊपर आके बैठिए कि यहाँ पर कितना सुकून है। ये चीज़ यहाँ पर अज्ञेय जी कह रहे हैं कि नमो, आप झुको, झुकने से कोई भी इंसान जो है वो छोटा नहीं होता है। खुल के खिलो, खुल के हंसो, सहज मिलो और सहजता के साथ आप एक दूसरे के साथ मिलिए, आप अपने विचारों का आदान प्रदान कीजिए। अंतःस्मित, आप अंतर मन से खुश रहिए। अंतःसंयत, हरी घास की तरह आप जो है शांत रहिए, स्वभाव आप सौहार्दपूर्ण रहिए। ये चीज़ यहाँ पर अज्ञे इस संदेश को देना चाह रहे हैं कि आज इस भीड़ भाड़ भरी दुनिया से आप हटके, आप देखते हैं कि अंतःस्मित का मतलब है कि आंतरिक खुशी, अंदर से अंतर मन से आज कोई भी हमें इस आधुनिकता के दौर में खुशी नहीं दिखता, ठीक है। तो इसलिए वो कह रहे हैं कि हरी घास पर क्षण भर बैठकर आप सारे सुख दुख को भुलाकर अंतर मन से अपने खुश होने की बात कीजिए। आप देखते होंगे जब भी आप प्रकृति की गोद में बैठते हैं तो आपको खुशी का अनुभव होता है। नेक्स्ट देखिए कि क्षण भर भुला सके हम नगरी के बेचैन बुदकती गड मड अकुलाहट, और न माने उसे पलाए। क्षण भर देख सके आकाश धरा दूरवा मेघाली, पौधे लता दोलती फूल झरे पत्ते तितली भुनगे, फुनगी पर पूंछ उठाकर इतराती छोटी सी चिड़िया, और न सहसा चोर कह उठे मन में, प्रकृतिवाद है स्खलन क्योंकि युग जनवादी है। तो यहाँ पर देखिए जो अज्ञेय जी क्या कहना चाह रहे हैं कि क्षण भर हम भुला सकें हम, कि हमें क्षण भर के लिए भूल जाने दो सब कुछ, ठीक है। नगरी की बेचैन बुदकती गड मड और अकुलाहट, कि आप कुछ समय के लिए वो जो नगरीय है, जो शहरी जीवन है, उससे दूर चले जाइए, आप जो है प्रकृति की गोद में आ जाइए। जो हमारे जिस तरीके से पूर्वज रहते थे, प्रकृति की छांव में रहते थे, वही चीज़ ये कह रहे हैं कि क्षण भर के लिए सब चीज़ें भूल जाओ, कि आप जो है शहरों में हैं, आप वैसे आधुनिक जिंदगी जी रहे हैं, उस चीज़ से वो कह रहे हैं कि अपने आप में आप क्या जाइए, क्षण भर भुला सकें हम नगरी की बेचैन बुदकती गड़मड़ अकुलाहट, जो अकुलाहट है ना, वहाँ की जो बुराइयां हैं उनको आप भूल कर क्या कीजिए, अपने आप में खो जाइए, और न माने उसे पलायन। साथ में ये कह रहे हैं कि उसे आप पलायनवाद भी न माने, कि हम जो है आज आधुनिकता के दौर से कट रहे हैं, इसका मतलब ये कतई भी नहीं है। वो सिर्फ क्षण भर के लिए कह रहे हैं कि इस चीज़ को थोड़ी देर के लिए भूल जाओ, या आपके पास जो दुख चिंताएं वासनाएं वर्जनाएं हैं इनको भूल जाइए, आपके पास जो शहर की भीड़ भाड़ वाली जिंदगी है उससे निकलिए आप थोड़ी देर के लिए, लेकिन उसे पलायन कतई न समझें। मैं सिर्फ कुछ क्षण के लिए आपको ये चीज़ कहना चाह रहा हूँ, ठीक है। तो ये चीज़ यहाँ पर अज्ञेय जी कह रहे हैं, क्षण भर देख सकें आकाश, कि कुछ पल के लिए आप इस प्रकृति की गोद में बैठकर आकाश को देखिए, धरा धरती को देखिए, दूरवा का मतलब है घास, उसको देखिए, मेघाली बादलों का जो समूह है उसको देखकर, पौधे लता दोलती कि जो लताएं हैं, जो बेलाएं हैं उनको आप दोलती, दोलती मतलब ये हमने कलगी बाजरे में भी देखा था कि जो लहराती लताएं हैं उनको देखिए, फूल है, झरे पत्ते है, तितली भुनगे, फुनगी पर पूंछ उठाकर इतराती जो छोटी सी चिड़िया है, ये जो सारी चीज़ें हैं, ये जो प्रकृति की चीज़ें हैं इनको आप देखिए, और न सहसा चोर कह उठे मन में, प्रकृतिवाद है स्खलन। लेकिन साथ ही साथ ये भी कह रहे हैं कि जो हमारा
चोर मन है वो कहीं ये ना समझ बैठे कि क्या है कि प्रकृतिवाद जो है कि प्रकृति की ओर जाना जो है वो क्या है, वो एक तरीके से अधोगति है, पतन है, स्खलन का मतलब है। प्रकृतिवाद क्या है? स्खलन है या आपकी अधोगति है, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है, क्योंकि जो हमारा युग है वो जनवादी है। इसलिए वो कह रहे हैं कि कुछ कुछ क्षण के लिए ही मैं कह रहा हूँ कि आप जो है प्रकृति की ओर चलिए, प्रकृति में ही सब दुखों का क्या है एक तरीके से इसमें समाधान है। लेकिन साथ ही साथ वो ये भी कह रहे हैं कि कहीं ऐसा ना समझ बैठे लोग कि जो प्रकृतिवाद है, जो मतलब आधुनिकता की ओर न जाने का संदेश देकर कहाँ है आपको कंदराओं में जाने की बात कर रहा है, तो कहीं ऐसा ना हो कि ये इसको अधोगति समझ बैठे। इसीलिए इन्होंने कहा है कि मैं सिर्फ क्षण भर के लिए ये चीज़ कह रहा हूँ कि आप ऐसा कीजिए, प्रकृति की गोद में आइए, आप सारे अपने दुख कष्ट जो है वो भूल जाएंगे प्रकृति में आकर, क्योंकि प्रकृति के पास सबके लिए समान भाव है, हर कोई उसके ऊपर आता है, हर कोई उस हरी घास पे खेल कर चला जाता है। तो ये चीज़ यहाँ पर प्रकृति के माध्यम से कह रहे हैं अज्ञेय जी। क्षण भर हम न रहें रह कर भी, सुने गूंज भीतर के सुने सन्नाटे में किसी दूर सागर की लुल लहर की, जिसकी छाती की हम दोनों छोटी सी सिहरन हैं, जैसे सीपी जिसे सीपी सुदा सदा सुना करती है। क्षण भर लय हों मैं भी तुम भी, और न सिमटें सोच की हमने अपने से भी बड़ा किसी को भी अपर को क्यों माना। देखिए यहाँ पर जो अज्ञेय जी क्या कह रहे हैं कि क्षण भर हम न रहें रह कर भी, कि हम क्षण भर न रहें अपने आप में, हम ये न सोचें कि हम ही बड़े हैं, सुने गूंज भीतर के सुने सन्नाटे में किसी दूर सागर की लोल लहर की, कि हमें जो सागर की लहर की लोल है अंदर की उसकी जो सिहरन है उसको हमने दोनों ने सुनना है ना, जिसकी छाती की हम दोनों छोटी सी सिहरन है। मतलब यहाँ पर जो आपका समुद्र है उसका मानवीकरण किया गया है, उसकी छाती, समुद्र की छाती मतलब इसका मानवीकरण यहाँ पर हुआ है कि दोनों छोटी सी सिहरन है हम दोनों जो प्रेमी और प्रेमिका उस हरी घास पर बैठे हुए हैं, जैसे सीपी सदा सुना करती है उस आवाज़ को। तो कुछ क्षण के लिए वो कह रहे हैं कि प्रकृति के उस आवाज़ को सुना जाए, उस सागर की आवाज़ को सुना जाए, ठीक है। क्षण भर लय हो मैं भी तुम भी, और न सिमटें सोच कि हमने अपने से भी बड़ा किसी को भी अपर को क्यों माना। तो यहाँ पर देखिए कि क्षण भर के लिए क्या हो, हम लय हो जाएं, एक दूसरे में खो जाएं, मैं भी और तुम भी, और न सिमटें सोचे कि हमने अपने से भी बड़ा किसी को माना है। मतलब आधुनिकता की ही बात यहाँ पर भी कर रहे हैं कि आज हम देखते हैं कि हम ये सोचते हैं कि वो हमसे बड़ा नहीं है, अगर वो हमसे बड़ा है तो हम उससे एक अलग दृष्टि से उससे बात, उसका नज़रिया हमारा चेंज हो जाता है। तो यहाँ पर ये कह रहे हैं कि कोई बड़ा कोई छोटा नहीं है, हमें सबके साथ समान भाव से रहने की बात करनी चाहिए। ये चीज़ यहाँ पर मानी है कि हम क्यों उसको बड़ा माने, है ना, तो ऐसा नहीं है। क्षण भर अनायास हम याद करें तीर्थी नाव नदी में, धूल परे पथ पर अषाढ़ की भवक झील में साथ तैरना, हंसी अकारण खड़े महावट की छाया में, वदन घाम से लाल स्वेद से जमी अलक लट, चीड़ों का वन साथ साथ दुलकी चलते दो घोड़े, गीली हवा नदी की फूले नथुने, भर्राई सीटी स्टीमर की खंडहर ग्रथित अंगुलियां, बांसे का मधु डाकिए की पैरों की चाप, अधजानी बबूल की धूल मीली सी गंध, झरा रेशम शिरीष का कविता के पद, मस्जिद के गुंबद के पीछे सूर्य डूबता धीरे धीरे, झरने के चमकीले पत्थर मोर मोरनी घुंघरू, संथाली झूमर का लंबा कसक भरा आलाप, रेल की आह की तरह धीरे धीरे खींचना, लहरें आंधी पानी, नदी किनारे की रेती पर बित्ते भर की छाह, झाड़ की अंगुल अंगुल नाप नाप कर तोड़े, तिनकों का समूह लो मौन। तो इस वाले जो आपका ये स्टेंजा है, देखिए इसमें इन्होंने क्या कहा है कि क्षण भर अनायास हम याद करें, यहाँ पर अपने जो अतीत की स्मृतियों को वो ये कह रहे हैं कि बिना कुछ ज़्यादा सोचे समझे अनायास ही आप क्या करें, उनको याद कीजिए। तीर्थी नाव नदी में, जो नदी है वो नाव में बह रही है, अषाढ़ महीने में जो धूल भरे पथ हैं रास्ते हैं उनकी जो भवक है, झील में साथ तैरना, हंसी के, मतलब यहाँ पर इन्होंने जो अपने अतीत की बात है उसको इन्होंने याद किया हुआ है, चाहे पक्षियों की बात करें, चाहे आप घोड़े के चाप की दौड़ने की बात करें, ये सब चीज़ें यहाँ पर इस वाले इसमें बताई गई हैं। यहाँ पर ये कह रहे हैं कि आप जो है अपने अतीत को स्मरण कीजिए, यहाँ पर जहाँ पर बिना किसी उसके किसी संकोच के, मतलब अतीत को याद करिए, अपने आप में खो जाइए, यही संदेश यहाँ पर इस पूरे के पूरे पहरे में आपको देखने को मिलेगा, ठीक है। और
आगे ये कहते हैं, देखिए कि नदी किनारे की रेती पर बीते भर की छां झाड़, मतलब जो भी पूर्व में वो सारी चीजें हो गई हैं उनको स्मरण कीजिए प्रकृति की गोद में आकर, ठीक है। याद कर सकें अनायास और न माने हम अतीत के शरणार्थी हैं। याद कर सकें अनायास कि बिना मतलब के आपने उनको याद करना है, और ये न माने कि हम अतीत के शरणार्थी हैं। अतीत के शरणार्थी से मतलब है हमें कतई भी ये नहीं समझना चाहिए कि अगर हम प्रकृति की गोद में आकर ये सारी चीज़ें सोच रहे हैं, ये जो पीछे अपना वर्तमान जो अतीत हमारा चला गया है उसके बारे में अगर हम सोच रहे हैं तो इसका मतलब ये कभी भी नहीं हो सकता कि हम जो है अतीत में जीने वाले हैं, है ना। हम अतीत के शरणार्थी हैं, ऐसा नहीं है। हम इंसान को क्या है वो वर्तमान में जीना चाहिए, लेकिन यहाँ पर अज्ञे क्षण भर के लिए ये चीज़ कह रहे हैं कि हमें आज की जो भीड़ भाड़ वाली ज़िंदगी है उससे कुछ क्षण के लिए अपने आप को प्रकृति की गोद में ले जाने की ज़रूरत है, आत्म मंथन करने की ज़रूरत है, मेडिटेशन करने की ज़रूरत है, ताकि हम ये समझ सकें कि आधुनिकता ही सब कुछ नहीं है, प्रकृति की गोद में या प्रकृति के आंचल में बहुत सारी चीज़ें और भी हैं, ठीक है। स्मरण हमारा जीवन के अनुभव का प्रत्यावलोकन, कि जो हम ये अतीत को याद कर रहे हैं वो क्या है, हमारे जीवन के अनुभवों का प्रत्यावलोकन है। हम उसका पुनरावलोकन कर रहे हैं कि हमने अपने जीवन में क्या जिया, क्या किया और कहाँ हम पहुँचे हैं। आज ऐसे दौर में हम पहुँच गए हैं जहाँ पर समाज को किसी से भी कोई लेना देना नहीं है, सब अपने तक ही सीमित हैं, लेकिन प्रकृति में हमें ऐसी सीमितता नहीं नज़र आती है, वो असीमित है, असीम है उसका स्नेह और प्यार। यही संदेश इस कविता के माध्यम से भी वो देते हैं कि जीवन के जो प्रतीक्षण है उसको हमें जीना चाहिए। ये संदेश इस कविता के माध्यम से अज्ञे जी देते नज़र आते हैं। याद करें अनायास और न माने हम अतीत के शरणार्थी हैं। स्मरण हमारा जीवन के अनुभव का प्रत्यावलोकन, हमें न हीन बनावे प्रत्याभिमुख होने के पाप बोध से। आओ बैठो क्षण भर, हम यह क्षण हमें मिला है नहीं नगर सेठों की फयाजी से, हमें मिला है यह अपने जीवन की निधि से ब्याज सरीखा। ये कह रहे हैं कि स्मरण हमारा जीवन के अनुभव का प्रत्यावलोकन है, हमें न हीन बनावे प्रत्याभिमुख होने के पाप बोध से, कि हमें हीन न नहीं बनाए किससे, जो आपके प्रत्याभिमुख होने के पाप बोध से, कि हम जो अपने पीछे अपने अतीत में जो चीज़ें कर ली है उससे हमें कभी भी हीन भाव या हीनता की दृष्टि से नहीं देखना चाहिए, वो पाप बोध हमें नहीं रखना है। आओ बैठो क्षण भर, कि कुछ क्षण के लिए बैठो, या क्षण हमें मिला है नहीं नगर सेठों की फयाजी से। फयाजी से मतलब है कि जो नगर सेठ हैं उनकी उदारता से हमें ये क्षण नहीं मिले हैं। ये जो क्षण हमें अभी मिला है ये हमें अपने जीवन की जो अमूल्य निधि है उसके ब्याज स्वरूप मिला है, इसलिए जीवन के हर एक क्षण को हमें जीने दीजिए। यह क्षण हमें मिला है नगर सेठों की फयाजी से नहीं, उनकी उदारता से नहीं, बल्कि स्वाभाविक है ये जीवन और ये हमें अपने हिसाब से जीना चाहिए। इसलिए क्षण भर हरी घास पर बैठकर प्रकृति के आंचल में बैठकर अपने जीवन को जिए। आओ बैठो क्षण भर तुम्हें निहारूं, अपनी जानी एक एक रेखा पहचानूं। आगे वो कह रहा है कि मेरे पास कुछ क्षण के लिए बैठो, क्षण भर मैं तुम्हें निहारूं, तुम्हें देखूं और तुम में खो जाऊं, अपनी जानी एक एक रेखा पहचानूं, कि तुम्हारे चेहरे पर जो भी हाव भाव हैं उनको मैं पहचानने की कोशिश करूं। तुम मेरे पास कुछ क्षण के लिए बैठो, आप जो है अपना सारा दुख वगैरह भूल जाओ। चेहरे की, आंखों की, अंतर्मन की और हमारी साझे की अनगिनत स्मृतियों की तुम्हें निहारूं, झिझक ना हो कि निरखना दबी वासना की विकृति है। देखिए आगे ये कह रहे हैं कि आज का जो हमारा शिष्ट समाज है वो अगर इसी तरीके से कहीं पर किसी को भी देख लेता है या फिर आपस में कोई बैठ रहे हों तो उसके बारे में हम देखते हैं कि बहुत सारी चीज़ें, बहुत सारी बातें बनाई जाती हैं, है ना। हालांकि आज हम आधुनिकता के दौर में हैं, ये चीज़ थोड़ा सा कम है, लेकिन फिर भी जिस वक्त अज्ञे जी इस कविता को लिख रहे थे तो उस वक्त ऐसा समाज में था, इस तरीके की धारणाएँ थी। तो आगे वो कह रहे हैं कि मैं तुम्हें निहारूं, अपनी जानी एक एक रेखा पहचानूं। चेहरे की, आंखों की, अंतर्मन की और हमारी साझे की, कि हमने जो साथ में जो पल बिताए हैं, अनगिनत स्मृतियों की, कि जो हमारे यादें रही है, अनगिनत यादें रही हैं, उनको देखूं, उनको निहारूं और आपके चेहरे में, तेरे चेहरे में मैं उनको देखता रहूं, ठीक है, और उन अतीत की स्मृतियों को याद करता रहूं। झिझक न हो कि निरखना दबी वासना की विकृति है, कि जो निरखना है वो दबी वासना की विकृति है। ये यहाँ पर कह रहे हैं, देखिए अज्ञे जी, कि जो निरखना है वो दबी वासना की विकृति है, इस बात की झिझक ना हो कि हमारे बीच में जो चीज़ें हैं
वो क्या है, वो स्वच्छंद होनी चाहिए, मुक्त होनी चाहिए, उसमें किसी तरीके का कोई ऐब या गलत मतलब उसका नहीं होना चाहिए। इस तरीके से हम एक दूसरे से मिलें। धीरे धीरे धुंधले में चेहरे की रेखाएं मिट जाएं, केवल नेत्र जगें, उतनी ही धीरे हरी घास की पत्ती पत्ती भी मिट जावे, लिपट झाड़ियों के पैरों में और झाड़ियाँ भी घुल जावें क्षिति रेखा के मिश्रण ध्वांत में, केवल बना रहे विस्तार हमारा बोध मुक्ति का, सीमाहीन खुलेपन का। देखिए यहाँ पर ये क्या कह रहे हैं आगे कि धीरे धीरे धुंधले में चेहरे की रेखाएं मिट जाएं, कि आसमान में जो आपका प्रकाश है वो भी धीरे धीरे क्या है, धुंधला पड़ जाए, केवल नेत्र जगे रहें, हमारी जो आंखें हैं वही खुली रहें, उतने ही धीरे हरी घास की पत्ती पत्ती भी मिट जावे लिपट झाड़ियों के पैरों में, कि जो हरी घास पर पत्तियां हैं वो भी पेड़ों के जो ओट हैं उसमें चले जाएं और झाड़ियां भी घुल जाएं क्षिति रेखा के मिश्र। क्षिति रेखा मतलब है जहां पर आपका आसमान और जो धरती है वो मिलती नजर आती हैं, वहां पर हम देखते हैं कि जहां पर जैसे वो झाड़ियां भी क्या हैं उसमें एक तरीके से समा जाएं, केवल बना रहे विस्तार हमारा बोध मुक्ति का, केवल हम दो हमारा जो विस्तार है वही वहाँ पर बना रहे सीमाहीन खुलेपन का, कि हमारे बीच का जो खुलापन है वो निरंतर यूं ही बना रहे। इस चीज़ को यहाँ पर अज्ञेय जी कह रहे हैं। आगे ये कहते हैं देखिए, चलो उठें अब तक हम थे बंधु सैर को आए, कि इससे पहले हमने देखा कि वो यहाँ पर सिर्फ और सिर्फ दो प्रेमी हैं या फिर दो दोस्त हैं, दो मित्र हैं जो प्रकृति की गोद में बैठे हैं, एक दूसरे में समा जाना चाह रहे हैं और स्वच्छंद भाव से उसमें किसी तरीके के जो गलत या वासना की वृत्ति हमें नहीं देखने को मिली, वो कह रहे हैं कि हमें उस तरीके से मिलना है। चलो उठें अब तक थे हम बंधु सैर को आए, देखें है क्या कभी घास पर लोटपोट होते सतभैये शोर मचाते, और रहे बैठे तो लोग कहेंगे धुंधले में दो के प्रेमी बैठे हैं, वह हम हों भी तो यह हरी घास ही जाने। यहाँ पर वो कह रहे हैं देखिए कि चलो अब उठ जाते हैं, अब तक हम थे बंधु सैर को आए, कि हम अब तक यहाँ पर सैर के लिए आए थे, अब हमें उठ जाना चाहिए, देखें हैं क्या कभी घास पर लोटपोट होते सतभैये शोर मचाते, कि यहाँ पर अब हमारा काम नहीं रह गया है, क्या आपने घास पर हरी घास पर जो सतभैये पक्षी हैं उनको कभी लोटपोट होते हुए शोर मचाते देखा है, नहीं। ठीक है, वैसे ही यहाँ पर ये कह रहे हैं कि हम जो है सैर को आए थे बंधु, अब हमें यहाँ से चल जाना चाहिए, और रहे बैठे लोग कहेंगे कि धुंधले में दुख के दो प्रेमी बैठे हैं, कि अगर हम ज़्यादा देर तक के लिए यहाँ पर बैठे रहे कि जो ये सभ्य शिष्ट समाज है ये हमें क्या कहेगा कि अंधेरे में जो दो प्रेमी आपस में बैठे हैं, दुबके बैठे हैं, जो प्रेमी युगल है, प्रेमी जोड़ा है, वो बैठे हैं, अगर हम हों भी तो ये सिर्फ हरी घास ही जानती है कि है कि हम दोनों क्या हैं, प्रेमी हैं, और कोई भी नहीं जानता, जिसे जिसके खुले निमंत्रण के बल जग ने सदा उसे रौंदा है और वह नहीं बोली, कि हरी घास को हमेशा लोगों ने क्या है रौंदा कुचला, लेकिन प्रकृति हमेशा वैसी ही रही, उसने कुछ भी नहीं कहा। ये चीज़ यहाँ पर कह रहे हैं, एक तरीके से टॉन्ट कस रहे हैं अज्ञेय जी, अगर हम प्रेमी हैं भी तो समाज को उससे कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए, प्रेम जो है वो स्वच्छंद होना चाहिए, ये बात इन्होंने इस कविता के माध्यम से करने की कोशिश की है। नहीं सुने हम वह नगरी के नागरिकों से, कि हम उन लोगों से ये चीज़ कभी ना सुने जो लोग ये कहते हैं, जिनकी भाषा में क्या है चिकनाई है साबुन की तरह, लेकिन करुणा दया स्नेह उनमें आज जरा भी नहीं है, ऐसे लोगों से हम ये सुनना कतई पसंद नहीं करेंगे। इसलिए यहाँ पर अज्ञेय जी एक बार फिर से ये कहते हैं कि वह हम हों भी तो यह हरी घास ही जाने कि हम क्या हैं, हम आपस में प्रेमी हैं। ये थी अज्ञेय की कविता, और लास्ट में ये कहते हैं कि देखिए उठो चले।